Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your science teacher. Today we are going to start with the chapter number 6, that is acid, bases and salts. ठीक है, acid, base और salts क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में. तो open your books, chapter number 6. Now, what is acid? ठीक है, acid क्या होते हैं, base क्या होते हैं, ठीक है, और जो हमारा daily life है इसमें इनका क्या use होता है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे. तो देखो, acids जो होते हैं, ठीक है, हम जो डेली हम जो खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें भी हम एसिड्स खाते हैं. ठीक है, हमें नहीं पता चलता है. जैसे आपको पता होगा लेमन, आप ठीक है, लेमन सभी लोग यूज़ करते हैं, कर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, विनेगर यूज़ करते हैं, तो इन सभी में क्या होता है, एसिड्स पाए जाते हैं. ठीक है, ये जो एसिड्स होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए भी अच्छे होते हैं, फूड डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में एसिड्स के यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो जो एसिड्स होते हैं, अब इनके बारे में बोला कि इनका जो टेस्ट होता है वो एक्चुअल कैसा होता है, वो सोर होता है. ठीक है, खट्टे होते हैं एसिड, हमें पता है टेस्ट में खट्टे होते हैं, कि जो अपन मौसमी, संतरे, ठीक है, हम यूज़ करते हैं, इन सभी में खट्टापन किस वजह से होता है, एसिड्स की वजह से होता है. ठीक है, दही खट्टा होता है तो वो एसिड जब उसका जैसे जैसे उसकी एसिडिटी बढ़ती जाती है, एसिड बढ़ता जाता है उसके अंदर, उसका खट्टापन भी बढ़ता जाता है. ठीक है, ऐसे नींबू बहुत खट्टा होता है, उसमें ज़्यादा एसिड पाया जाता है, इसलिए उसका टेस्ट और ज़्यादा खट्टा हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो नेचुरल हमें प्लांट से मिलते हैं. ठीक है, तो कुछ होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, देखो एसिड्स में अब जो होते हैं ना, एक तो हम होता है पीएच स्केल, हम देखेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है. तो जो पीएच स्केल होता है उसकी रेंज होती है 1 से लेके 14 तक की. ठीक है, 1 से लेके 14 तक की पीएच स्केल होती है, जिसमें 1 से लेके 7 तक अगर पीएच है तो इसका मतलब उसकी जो वो है नेचर वो किस तरह की हो गई, एसिडिक नेचर हो गई. ठीक है, और 7 से लेके 14 तक का अगर पीएच स्केल आता है तो उसको हम बोलते हैं बेसिक नेचर, यानी उसको कैसा हो गया, वो बेस फॉर्म में चला गया. ठीक है, उसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक वाली होगी. और अगर किसी चीज़ का पीएच अगर 7 आता है, एग्जैक्ट 7 है, तो इसका मतलब वो क्या, न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है. ठीक है, ना उसमें एसिड होगा ना उसमें बेस होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा. तो अगर पीएच 7 से कम आती है, लेस देन 7 आती है, तो मतलब वो कैसा है प्रोडक्ट, वो एसिडिक है. और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा बेसिक. ठीक है, तो एसिड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड. अब टाइप्स ऑफ एसिड कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं, मैंने अभी बताया, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, दे अगर नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, जो हमको नेचुरल तौर पे मिलते हैं, ठीक है, जिनको हमने नहीं बनाया, जो हमें नेचर ने दिए हैं, जो हमें डायरेक्टली मिलते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स से हमें कैसे मिलते हैं, जैसे नींबू हमें प्लांट से मिलता है, उसमें एसिड पाया जाता है. ठीक है, कर्ड हमें जो मिल्क मिलता है, ठीक है, गाय का दूध होता है, हम लोग पीते हैं, ठीक है, उसी से हम दही बना लेते हैं, तो वो दही में क्या आ जाता है, एसिड आ जाता है. ठीक है, तो वो हमको एनिमल से मिल गया. ठीक है, इसी तरह से हम जो ऑरेंज यूज़ कर ऑरेंज खाते हैं, उसमें एसिड पाया जाता है, मौसमी में वो होता है, एसिड होता है. जो भी खट्टे हम फ्रूट्स खाते हैं उनके अंदर शरीर में क्या होता है, एसिड होता है. तो ये नेचुरल हमें मिला है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, अब इनकी नेचर कैसी होती है, 2 तरह के एसिड होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक होते हैं वीक एसिड्स. ठीक है, वीक मतलब जो कि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं. ठीक है, वैसे जो एसिड्स की नेचर अगर हम देखें तो कोरोसिव होती है. ठीक है, ये किस नेचर के होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, मतलब रिएक्ट करने वाले होते हैं. ठीक है, तो देखो ये वीक एसिड होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं. ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो क्या होंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं क्या करते हैं, हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं. ठीक है, हमारी आंखों को डैमेज कर सकते हैं, इतने ज़्यादा एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी पाए जाते हैं. ठीक है, वो कौन से एसिड्स होते हैं, वो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ये जो हमें मिनरल रिसोर्सेज से मिलते हैं. ठीक है, जो मिनरल रिसोर्सेज से मिलते हैं या फिर जिनको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बाय रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस करके हम जिनको बनाते हैं तो वो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, उनको मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये किससे मिलते हैं, हमें मिनरल रिसोर्सेज से मिलते हैं. ठीक है, इसके बाद इसके अंदर अब इनमें क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है. तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एटम्स पाए जाते हैं. ठीक है, इसके इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन एटम भी पाए जाते हैं और हाइड्रोजन एटम्स भी पाए जाते हैं. ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उसमें एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम मिलता है लेकिन कार्बन एटम नहीं होता.
ठीक है, उसके अंदर सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और कुछ भी होगा, लेकिन उसके अंदर कार्बन नहीं होगा। ठीक है, जो भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होंगे उसमें कार्बन नहीं होगा, उसमें हाइड्रोजन होगा, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम कंपल्सरी होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई कार्बन एटम नहीं होगा, कार्बन एटम्स किस में होंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स में। ठीक है, और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। आपने नाम सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है जो लेबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं। ठीक है, या फिर हम विनेगर वगैरह में भी यूज करते हैं तो इनको डाइल्यूट करके हम यूज करते हैं। जो अगर हम इनको किसमें ले लें, कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले लेते हैं, जहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी नेचर को शो करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। उनको हैंडल बहुत केयरफुली किया जाता है, हम उनको ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अगर उसकी एक ड्रॉप भी हमारे हाथ पे गिर जाए तो वो उसको बर्न कर देता है स्किन को। ठीक है, अगर एक ड्रॉप हमारी आँख में चली जाए तो हमारी आँख से हमें देखना बंद हो सकता है, आँख पूरी तरह से डैमेज हो सकती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम यूज़ नहीं करते हैं हमारी डेली लाइफ में, ये यूज़ किए जाते हैं लेबोरेटरीज में। ठीक है, कुछ भी मेडिसिंस बनाने के लिए या फिर जो क्लीनर होते हैं, फ्लोर क्लीनर बनाने के लिए, इन चीज़ों में इनका केमिकल यूज़ किया जाता है। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स हमारी डेली लाइफ में कम होते तो हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स उसमें बनाने में यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, मेडिसिंस में यूज़ किए जाते हैं, तो इनके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो नेचुरल हमको मिलते हैं, जो हम खाते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, हमारे अंदर क्या होता है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे फूड को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बोलते हैं जैसे जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो हमारे पेट के अंदर जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो जितने अच्छा उसमें होगा, उसमें उतनी जल्दी वो फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर पाएंगे हम। ठीक है, इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बाद में। अब जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, तो ये हमने पढ़े कि जो हमें नेचुरल मिलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स में आता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं H2SO4। इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हमने यूज़ किया क्या, H2SO4। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है, H2SO4 हो गया, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, इस तरह से कुछ एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनमें ऐसे कौन से गुण पाए जाते हैं जिससे हमें पता चले कि ये एसिड है और इसके हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से यूज होता है, तो देखो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ये कि हमें पता जाएगा कि अगर खट्टा है तो मतलब वो क्या है, एसिड है। इसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर यानी कि खट्टा। ठीक है, दूसरा करोसिव नेचर, ये करोसिव होते हैं मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, इनको बोलते हैं करोसिव, क्योंकि ये बहुत जल्दी डैमेज कर सकते हैं मेटल्स को, स्पेशली मेटल्स को ये जल्दी रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ में, तो उनको डैमेज करने की इनमें वो होती है कैपेसिटी, इसलिए इनको स्टोर करने के लिए हम ग्लास कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम कांच के कंटेनर्स में इसको स्टोर करके रखते हैं, अगर हम मेटल्स में स्टोर करेंगे तो क्या करेंगे, उसके साथ रिएक्ट करेंगे और कुछ नया प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, उसको चेंज कर दें, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कॉपर का, जैसे कि है ना, हम पानी पीने के लिए कई बार जो होते हैं लोग बहुत से वो तांबे का जग या फिर तांबे का ऐसा कुछ कंटेनर यूज़ करते हैं, जिसमें रात को पानी पी के भर के रखते हैं और सुबह उसको पीते हैं, तो वो हमारे जो पेट के लिए भी अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें ना एक तो कॉपर हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर उसको जैसे आप देखते हैं कि उस पर अगर कुछ ड्रॉप्स ऊपर रह जाती हैं पानी की, तो क्या होता है कि वो बहुत जल्दी काला हो जाता है। ठीक है, ऊपर से देखा होगा आपने कभी तांबे का, आप उसमें जब पानी आप रखोगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, उस पर एक लेयर बन जाएगी ब्लैक कलर। ठीक है, तो उसको आपने देखा होगा, अगर उसको क्लीन करना होता है, तांबे के बर्तनों को अगर हम क्लीन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं लेमन का। ठीक है, लेमन का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लेमन क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, और वो बहुत जल्दी रिएक्टिव होता है मेटल्स के लिए। तो जैसे ही अगर आपने नींबू में अगर नमक लगा के अगर उसको आप उस पर रगड़ते हो, या नींबू को भी अगर आप उसके ऊपर रगड़ते हो तांबे के बर्तन के ऊपर, तो वो एकदम से उसका कलर चेंज हो जाता है, जो कॉपर का कलर होता है एक्जैक्टली वो निकल के आता है, यानी बहुत जल्दी वो क्लीन हो जाता है, कालापन उसका साफ हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत जल्दी रिएक्टिव होता है। लेमन क्या करता है, जल्दी से रिएक्शन लेके, आप नॉर्मली अगर आप विम वगैरह यूज़ करते हो, अपने डिटर्जेंट्स यूज़ करते हो, तो उससे वो डिश वॉशर से इतनी जल्दी क्लीन नहीं होता जितनी जल्दी कि वो लेमन से क्लीन होता है, क्योंकि वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब
एक और चीज़ हमें पता लगाना है कि कोई भी चीज़ जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम यूज़ करते हैं लिटमस पेपर का। ठीक है, एक लिटमस पेपर आता है, इतना सा छोटा सा होता है। ठीक है, अगर हमने उसको किसी सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को अगर डिप करते हैं और अगर वो रेड कलर का हो जाए तो समझ जाना कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, यानी एसिड वाला सॉल्यूशन होगा, वो एसिड है उसके अंदर। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर वो सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर में चेंज कर दे तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है या वो चीज़ कैसी है, वो है एसिड। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, लेमन की जो जूस निकालो उसके अंदर अगर आप ब्लू लिटमस को डालोगे तो वो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रेड लिटमस पेपर को किसी चीज़ में डिप करें और अगर वो ब्लू हो जाए तो समझ जाना उसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक नेचर। यानी अगर आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप करते हो और वो ब्लू कलर का हो जाता है, इसका मतलब उसकी नेचर कैसी है, उसकी नेचर है बेसिक। ठीक है, और अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है मतलब वो कैसा है, एसिडिक नेचर का। फोर्थ पॉइंट आता है कि वो सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि ये कोरोसिव नेचर के, हमें बहुत ध्यान से इसको क्या करना होता है कि इसको जब हम सॉल्यूशन उसमें बनाते हैं, जैसे कि आपने नींबू की शिकंजी आप लोग पीते हो तो आपने क्या करा, पानी के अंदर आप नींबू डालते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक वो वीक बेस वीक एसिड होता है। ठीक है, लेमन क्या होता है, वीक एसिड होता है, लेकिन अगर हमने हाई रिएक्टिव जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, अगर आपने एसिड के अंदर अगर वाटर डाला तो वो एकदम से हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि हीट इज प्रोड्यूस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स्ड इन वाटर। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो एकदम से गर्म हो जाएगा, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो हमें इसके अंदर ध्यान क्या रखना होता है कि हमें क्या करना होता है इसमें, कि हम एसिड के अंदर वाटर मिक्स नहीं करते हैं। हमने वाटर लिया, उसमें धीरे धीरे करके हम एसिड को मिक्स करते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, अगर वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। कंसनट्रेट मतलब जिसमें सिर्फ एसिड है, कोई पानी नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें वीक एसिड चाहिए, हमें ना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं चाहिए। अगर हम हमारे यूज़ में ले रहे हैं, डेली यूज़ में ले रहे हैं, तो हमें वीक एसिड चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी में धीरे धीरे करके एसिड डालना स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू स्टर करते रहते हैं जिससे कि वो उसमें फटाफट से सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। इसमें एक पॉइंट आता है कि पीएच लेवल मैंने अभी बताया था, लेस देन अगर 7 है तो इसका मतलब वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अब देखो ये कैसे पता चलता है, क्या करता है एसिड, क्या करता है, मेटल के साथ में मिलकर सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिमूव करता है। ठीक है, तो कोई भी हमने एसिड लिया, सपोज हमने लिया HCl, HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हमने मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाई, सपोज हमने मैग्नीशियम के साथ कराई, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, या सोडियम के साथ कराई या पोटेशियम के साथ कराई, Na होता है सोडियम, K होता है पोटेशियम। तो इनके साथ में ये रिएक्शन जब करता है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम के साथ में मिलकर इसने बनाया MgCl2, ये Mg और ये Cl, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब MgCl2 बनता है ना कि MgCl, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा, इसके आगे 2 लगा दिया, क्योंकि हमें क्लोरीन के कितने एटम्स चाहिए, 2 एटम्स चाहिए। तो हमने यहाँ पर MgCl2 बनाने के लिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये MgCl2 बनेगा और क्या होगा, मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिमूव करता है, यानी हाइड्रोजन एटम को इस एसिड से रिमूव कर देता है। तो हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा तो अब सिंगल हाइड्रोजन तो रिमूव होगा नहीं, H कभी सिंगल नहीं होता, हमेशा 2 की फॉर्म में जाता है, 2 एटम्स होते हैं इसके अंदर मॉलिक्यूल में। तो ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस, ये H2 निकलेगी इसमें से, हाइड्रोजन गैस किससे डिनोट करते हैं हम, H2 से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी हमको 2 चाहिए, क्लोरीन भी 2 चाहिए, तो हमने यहाँ पर जो ये HCl था इसके आगे हमने क्या करा, इसको बैलेंस करने के लिए, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने इसके आगे 2 लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया 2HCl plus Mg is equal to MgCl2 plus H2, H2 क्या गैस रिमूव हो गई, अब हमारा क्या बन गया, सॉल्ट। ये क्या होता है, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट फॉर्म में ये सॉल्ट बन गया हमारा MgCl2। इसी तरह से हम सोडियम के साथ भी करा सकते हैं, पोटेशियम के साथ भी करा सकते हैं। अब ये तो होते हैं हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर हम लेस रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो लेस रिएक्टिव जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो कौन से हैं, कॉपर है, गोल्ड है और सिल्वर है। ठीक है, कॉपर गोल्ड और सिल्वर लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इनमें डैमेज नहीं होता है ये ना। ठीक है, ये इसको जो एसिड्स होते हैं ये इसको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। आपने देखा गोल्ड को आप ठीक है क्लीन कर सकते, ऊपर जो लेयर उसके ऊपर आ गई है ऑक्साइड की वो हट सकती है, बट उससे किसी सोना चांदी को या तांबे को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। ठीक है, उसको वो डैमेज नहीं कर सकता है। ठीक है,
तो इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ एसिड्स. नाउ द यूजेज ऑफ एसिड्स, ठीक है, एसिड की यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, कौन कौन से एसिड किस में यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट देखो एसिड क्या होता है. एक तो एसिड जो हमारे अंदर ही होता है, ठीक है, पेट में जो एसिड जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में यूज करता है, यूज़ होता है, तो वो है HCl, ठीक है. हमारे अंदर जो पाया जाता है स्टमक में वो कौन सा एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो फूड डाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है. एक हम यूज़ करते हैं विटामिन सी, ठीक है, जो खट्टे फूड्स हम खाते हैं, ठीक है, वो होते हैं जैसे कि लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, ठीक है, ये जो यूज होते हैं, तो ये इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारी हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है. और एक हम यूज़ करते हैं विनेगर. विनेगर में क्या होता है कि 4-6% सॉल्यूशन होता है एसिड का वाटर में मिक्स होकर, ठीक है, वाटर होता है जिसमें सिर्फ 4-6% ही एसिड पाया जाता है. इसको हम विनेगर को एज अ फूड प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी जैसे हमने अचार वगैरह बनाए या कुछ भी चीज़ जो हमें लंबे टाइम तक यूज़ करनी है, लंबे टाइम तक रखनी है, उसके लिए हम उसमें विनेगर का यूज़ करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करके, ठीक है, प्रिजर्व करके रखता है वो, ठीक है. तो इसके बाद कुछ एसिड्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं HCl से. किसे डिनोट करते हैं इसको हम, HCl से. इसका जो यूज होता है वो इसमें होता है डस्ट को रिमूव करने में, ठीक है, रस्ट होता है, रस्ट यानी कि क्या होता है, जंग, जो जंग लग जाता है, ठीक है ना, तो आयरन और स्टील पे, लोहे पे और स्टील पे जो जंग लगता है उसको रिमूव करने के लिए हम HCl का यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है. दूसरा इसका यूज़ होता है क्लीनिंग लिक्विड्स बनाने में, ठीक है, क्लीनिंग लिक्विड जो हम फ्लोर क्लीनर या फिर जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है. और पीवीसी बनाने के लिए, जो पीवीसी की पाइप्स हम यूज़ करते हैं उसमें भी HCl का यूज़ किया जाता है, ठीक है. सेकेंड आता है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को हम डिनोट करते हैं H2SO4 से. किसे डिनोट करते हैं, H2SO4 से. अब H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला एसिड है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है. मोस्ट ऑफ द केमिकल्स में इस एसिड का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है. देखो कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है किस में, एक तो इन्वर्टर में, कार और इन्वर्टर बैटरीज में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, कार में इनमें जो केमिकल्स होते हैं उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है. दूसरा फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, खाद वगैरह हम डालते हैं प्लांट्स में, ठीक है, उसके अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है. दूसरा इसका यूज़ किया जाता है डाइस बनाने में, डिटर्जेंट्स में, एक्सप्लोसिव्स बनाने में, ड्रग्स, सिंथेटिक फाइबर जैसे कि रेयोन, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है, रेयोन में, ड्रग्स में, ठीक है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह में, ठीक है. तो फर्टिलाइजर्स में डिटर्जेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग पाउडर वगैरह, उनमें यूज़ किया जाता है. डाइस बनाने में, कपड़ों को डाई करने के लिए जो यूज़ किया जाता है कलर, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको केमिकल, किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, ठीक है. तीसरा आता है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड क्या होता है कि एसिटिक एसिड जो होता है ये फ्लेवर जो होता है फूड का, उसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव जो यूज़ करते हैं विनेगर, उसमें एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, विनेगर में इसका यूज़ होता है. दूसरा जैसे कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग जो होते हैं, जो हमारी इंक होती है, ठीक है, जैसे कि इसमें मार्कर में इंक यूज़ की जाती है, पेन में हम जो इंक यूज़ करते हैं, उन सभी को बनाने के लिए किसका, एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है. पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स, जो फोटोग्राफिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो आप फोटोशूट करवाते हैं या फिर जो उसमें केमिकल इंक यूज़ की जाती है, उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है, ठीक है. फार्मास्यूटिकल्स में, फूड प्रिजर्वेटिव, रबर, प्लास्टिक, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है. फिर आता है नाइट्रिक एसिड. तो नाइट्रिक एसिड जो होता है फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है. जो फर्टिलाइजर्स, जो खाद वगैरह होती है, उसमें भी इसका नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है, ठीक है. और ऐसे एक्सप्लोसिव्स बनाने में यूज़ किया जाता है. रॉकेट फ्यूल बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. रॉकेट में जो फ्यूल डाल रहे हैं हम, ठीक है, रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए भी सबसे ज़्यादा नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है. सिंथेटिक डाइस और रेयॉन्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है बनाने में. क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है. स्टेनलेस स्टील को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है. उसको जो साफ करते हैं स्टील के बर्तनों को, उनको साफ करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसमें भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है. तो हमने पढ़ा कि जो एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं. जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है. जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं हमें प्लांट्स से और एनिमल्स से मिलते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो मिनरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं, इसलिए इनको मिनरल एसिड भी कहा जाता है, ठीक है. जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. और सिट्रिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है. जो
ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, कार्बन नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन का कम से कम एक एटम का होना जरूरी है। ठीक है, इसमें कुछ फिलप्स दिए हुए आपको, तो फिलप्स में देखो, फर्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन, पेज नंबर 79 पे दिया हुआ ऊपर, इसमें आपका आ जाएगा FeCl2। ठीक है, पेरिक्लोराइड या पेरिक्लोराइड जो होता है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरा, इसमें रेयोन को क्या बोला जाता है, रेयोन किससे बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो रेयोन में किससे बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड से। रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, PVC बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको फिलप्स करने हैं। थर्ड आपसे पूछा है pH less than 7 अगर है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो होगा एसिड। pH greater than 7 तो बेस होगा, और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसकी pH कितनी होगी, उसकी pH होगी 7। फिलप्स आपके कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेस और सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर 1 आपका कंप्लीट होता है, यहाँ तक आपको रीड करना है। थैंक यू।